ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द लीब्रा साइन, यानी कि तुला राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक जनरल रीडिंग है, इसलिए सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, वेलकम यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो भी स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स सी लिब्रा, आपके लिए ये जो हफ्ता है, सबसे पहले आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा ये देखते हैं। ओके लिब्रा, थिंकिंग अबाउट गेटिंग मैरिड। मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा इमोशंस। अच्छा, कुछ के लिए हो सकता है कि इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ कनेक्शन, तो हो सकता है स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली फ्रेंड्स और या कोई मैरिज एंड पार्टी अटेंड कर सकते हैं। गुड एटमॉस्फियर आई एम गेटिंग, लविंग लविंग इमोशंस आई एम गेटिंग। और अगर आप इन अ लव कनेक्शन है, देन मे बी थिंकिंग अबाउट योर पार्टनर, प्लानिंग दिस एंड दैट, और या हो सकता है कोई रिश्ता आ रहा है, कोई प्रपोजल आ रहा है, या ऐसी कोई बातचीत चल रही है, स्पेंडिंग गुड टाइम, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। मे बी थिंकिंग, यू नो, ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं लिब्रा के लिए, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट लाइक देयर इज समथिंग, आई थिंक दिस पर्सन इज हाइडिंग, या कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट दे आर स्टक इन समथिंग, मे बी स्टक अबाउट लाइक थिंकिंग अबाउट समथिंग, कुछ चल रहा है दिमाग में, और हॉन्टेड बाय पास्ट कुछ के लिए हो सकता है ये पर्सन, इनके माइंड में कुछ चल रहा है आपके लिए हो सकता है, या मे बी हो सकता है दे आर गोइंग थ्रू ए बिट्रेयल, उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको बिट्रे किया है और आपको लेके क्रॉस रोड्स पे हैं। ये सारी चीज़ें पता नहीं क्यों मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। येस ऑफ कोर्स, या टॉर्न बिटवीन चॉइसेस, अभी अपना माइंड नहीं मेकअप कर पा रहे हैं, ठीक है। ये आपके पार्टनर की तरफ से मुझे दिखाई दे रही है, और शायद हो सकता है कि लाइक आपकी तरफ आना चाहते हैं बट कोई चीज़ उनको रोक लेती है, आपकी तरफ आना चाहते हैं कोई चीज़ उनको रोक लेती है चीज़। सो मे बी इट्स अबाउट टोटल ऑपोजिट, आई मीन आपकी जो एनर्जी है दैट इज़ यू नो लाइक गुड एनर्जी, स्टेइंग पॉजिटिव, थिंकिंग पॉजिटिव अबाउट समथिंग, फीलिंग यू नो हैप्पी। एंड ऑन द अदर हैंड इफ़ यू आर डीलिंग विद समबडी, तो उनकी चल रहा है दिमाग में, लाइक दे आर डाइसी और मे बी दे आर गोइंग थ्रू सम रफ फेज, या ऐसा कुछ चल रहा है, चैलेंजेस हैं, और या हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी इश्यूज हैं, या हो सकता है कि अभी वो लाइक सोच नहीं पा रहे हैं ज़्यादा, यू नो। ओके, नेक्स्ट मूव की अगर बात करें, अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि ये पर्सन कोई मूव ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आगे चल के आप लोगों की कम्युनिकेशन हो सकती है, एक्सप्रेशन ऑफ लव हो सकता है, या यू कह लीजिए किसी के साथ कम्युनिकेशन हो सकती है। अब किसी के लिए हो सकता है ये कोई न्यू पर्सन भी हो, यस वी वर टॉकिंग एंड दिस इज़ अ न्यू पर्सन, ठीक है। तो लिब्रा के लिए आई एम अगेन, यहाँ हम क्लियर करेंगे कि मुझे दो स्टोरीज दिखाई दे रही हैं। लिब्रा, अगर आप टोटली सिंगल हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर माइट बी अ न्यू कनेक्शन जिनके साथ आप डील कर सकते हैं, और हो सकता है कोई आपकी तरफ आए, कोई आपसे बात करे, कोई आपको प्रपोज करना चाहे, या सडनली यू नो सडनली किसी से आपकी बात हो रही है। एंड इफ़ यू आर इन टू अ एनर्जी जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है, देन ऑल्सो आई थिंक देयर इज़ अ थर्ड पार्टी स्टफ गोइंग ऑन, यहाँ कुछ चल रहा है, ठीक है लिब्रा। एंड कोई उसमें से निकलने की कोशिश कर रहा है, कोई उसको यू नो लाइक न्यू एनर्जी में टैप इन करने की कोशिश कर रहा है, या नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहा है अपने ही पार्टनर के साथ। सो ऑल दिस थिंग इज़ आई एम गेटिंग फॉर ऑल द लिब्रा। डिस एनर्जी डिस्पेयर वाली है, मे बी यू फीलिंग लो, और मे बी यू फीलिंग को डिपेंडेंट, या सैड फील कर रहे हो, ठीक है। और अचानक से लाइक ये सोच रहे हो कि ऐसा टाइम ऐसा हो, और मे बी थिंकिंग लाइक मान लीजिए आप किसी के बारे में सोच रहे हैं और आपके माइंड में आता है कि काश ये पर्सन वापस आ जाए, ठीक है, या ऐसा कुछ हो जाए, या अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, दूर दूर से ही ख्वाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वॉन्ट टू पुट एफर्ट्स, ये सारी चीज़ें लिब्रा के लिए दिखाई दे रही हैं। ओके, चलिए अब हम करियर की बात करेंगे फॉर ऑल द लिब्रा। ओके, तो करियर वाइज आई थिंक इट्स काइंड ऑफ अ गुड एनर्जी। हाँ, थोड़ा बहुत
पैसे खर्च हो सकते हैं इस हफ्ते. आई थिंक मनी इज़ कमिंग ऑल्सो, बट देयर इज़ समथिंग. आई थिंक कुछ के लिए हो सकता है, शायद हो सकता है कि आप कुछ खर्चा कर सकते हैं. ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है. ऑल दो यू आर डूइंग गुड, ऑल दो यू विल लाइक कवर इट, ये कवर हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है. हाँ, बट ये ज़रूर है कि स्पेंडिंग समथिंग और मे बी अ ह्यूज अमाउंट आप कहीं खर्च कर रहे हैं, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए. मान लीजिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको कहीं से मिलने वाले हैं दैट थिंग, यू नो, और उसमें कोई छोटी मोटी अड़चन आ जाए, ऐसा कुछ. बट आई थिंक वो चीज़ मैंने आपको बोला ना, कवर हो जाएगी, आज नहीं तो कल हो जाएगी. तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर ऑल द लीब्रा, स्पेशली दोज हु आर डूइंग योर ओन वर्क, जो अपना काम कर रहे हैं खुद का. आई थिंक लक इज़ इन टू योर फेवर, आप अच्छा कर रहे हैं, गुड कर रहे हैं, और धीरे धीरे प्रोग्रेस ही कर रहे हैं और आगे की तरफ ही बढ़ रहे हैं फॉर ऑल द लिब्रा. सो देखते हैं क्या गाइडेंस है फ्रॉम अवर एंजल्स, कि एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं फॉर ऑल द लिब्रा. प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए. ओके लिब्रा, डोंट डिफेंड करने की कोशिश मत कीजिए, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, अपने आप को कैद करने की कोशिश मत कीजिए, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए. जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, एंड इट्स अबाउट अ ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अबाउट अ चेंज गोइंग ऑन इन टू योर लाइफ. यू हैव टू एक्सेप्ट इट, एंड प्लस यू हैव टू चेक योर मॉरल वैल्यूज़. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इफ़ यू आर डीलिंग विद थर्ड पार्टी एंड स्टफ़ लाइक दैट. तो स्पेशली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि लिब्रा, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि कहीं आप फिसल ना जाएं, यूँ कह लीजिए, या कहीं ये साइड मैसेज हो सकता है किसी के लिए. देखिए, नॉट फॉर एवरीबडी अगेन, तो जिनको मैच होता है वो देख लीजिए, जिनको नहीं होता लेट इट, यू नो, लेट इट बी. तो मॉरल वैल्यूज़ का ध्यान रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अपने आप को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. अपनी एनर्जी को सही दिशा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आपको जो एनर्जी है जो आपकी तरफ फ्लो हो रही है, जो यू नो पॉजिटिविटी, आप उस एनर्जी को कहाँ, यू नो लाइक कहाँ फ्लो कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कहाँ इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द राइट थिंग टू से एक्चुअली, कि उसको कहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड यस उस बहुत कुछ हो सकता है उसमें. आप अपना कुछ कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, अपने करियर की तरफ, या अच्छी चीज़ों की तरफ, या लोगों को हेल्प आउट करने के लिए. सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल द लिब्रा. आई होप आपको पसंद आई हो ये रीडिंग, और मुझे कमेंट करके बताइए. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय. अपना ख्याल रखिए.